Hello students, how are you? I hope you are fine. Today I am going to discuss with you computer of class 2. And the today's topic is computer and electronic device part 2. Part 2 इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया part 1. Part 1 में हमने computer के कुछ topics को discuss किया. अब बाकी के topics को हम part 2 में discuss करेंगे. Okay? फर्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मैनिपुलेट्स डाटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ना. मीन्स कि जो भी हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो हम उसे ऑर्डर देते हैं तो वो करता है. ठीक है. A computer is an electronic machine that accepts input, processes it and gives results and save as an electronic file. अब हमने जैसा कहा कि instruction को follow करता है, तो फिर वो instruction को कैसे follow करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने बताया कि हम किसी भी टॉपिक्स को या जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम टाइप करते हैं, उन्हें हम इनपुट करते हैं. उसके बाद सीपीयू में जाकर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है. देन वो क्या करता है, आउटपुट देता है, मींस कि रिजल्ट देता है. और जो भी हमने सर्च किया वो क्या करता है, वो सेव कर लेता है. ठीक है. अपना जो डाटा होता है, मींस कि जो भी डाटा होता है उसको अपने मेमोरी में वो सेव कर लेता है. बाय चांस अगर हम उस चीज़ को बाद में देखना चाहें तो हम वो चीज़ देख सकते हैं. ठीक है. अ प्रिमिटिव कंप्यूटर. प्रिमिटिव कंप्यूटर हम किसे कह सकते हैं. अ बेसिक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट. कंप्यूटर जो है, जो बेसिक कंप्यूटर है, ठीक है, उसी को हम प्रिमिटिव कंप्यूटर कहते हैं. जो बेसिक कंप्यूटर है वो 3 मेजर कंपोनेंट के द्वारा काम करता है. फर्स्ट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आईओ, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इनपुट, हम पहले इनपुट करते हैं, ठीक है, फिर वो सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है. और जैसा कि आप नीचे एरो देख रहे हैं, मेमोरी, मेमोरी हमने इसलिए इसमें डाला है कि वो क्या करता है, अपने मेमोरी में सेव कर लेता है. देन वो क्या करता है, आउटपुट देता है. सपोज दैट कि अगर हम आपको कोई वर्क देते हैं, है ना, उसे हम आपको कहेंगे कि आप हमें रिमेम्बर करके बताइए, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसको पढ़ोगे, है ना, उसके बाद क्या करोगे, अपने जो मेमोरी है ना, उसमें क्या कर लोगे, सेव कर लोगे. देन फिर आप हमें आके उसका आंसर बताओगे. तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है. वो पहले इनपुट में जो हम डालते हैं उसको पहले देखता है, देन फिर उसको वो प्रोसेस करता है, सर्च करता है, फिर वो मेमोरी में सेव कर लेता है, तब वो हमें आउटपुट देता है. डाटा कम्स थ्रू इनपुट एंड द सीपीयू प्रोसेस इट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम इन मेमोरी एंड द रिजल्ट्स आउटपुट रिटर्न टू मेमोरी और प्रेजेंटेड टू द यूज़र. जैसा कि मैंने अभी बताया, है ना, वो क्या करता है, सीपीयू में प्रोसेस करता है, उसमें सेव कर लेता है, देन वो हमें आउटपुट देता है, जो रिजल्ट होता है वो देता है, ताकि हम वो जो सेव मेमोरी है ना, जो हमारा डाटा सेव हो गया है, उसे हम इन फ्यूचर अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक नेचर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर फंक्शंस. दीज कंप्यूटर टाइप्स आर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का जो टाइप्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक नेचर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेचर के द्वारा उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जो कंप्यूटर है ना, मीन्स कि उसका जो विभाजन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, तो उसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, हर कंप्यूटर का अलग अलग फंक्शन होता है. तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया 3 कैटेगरीज होते हैं, तो तीनों कंप्यूटर का अलग अलग फंक्शन है ना, तीनों कंप्यूटर अलग अलग काम करते हैं और उनका जो टाइप्स होता है वो जो है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है ना, इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है.
तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर यूजेस एनालॉग सिग्नल दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूस सेट ऑफ वेरिंग वोल्टेजेस इन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल्स एंड फ्लाइट सेंटर्स. एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल को ही रिप्रेजेंट करता है ना, उसे ही फॉलो करता है. और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में ही यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में और फ्लाइट सेंटर्स में यूज़ होता है. एनालॉग हम लोग ये कह सकते हैं कि वो किसी भी मींस कि जो फिज़िकल चेंजेस होता है उसी को वो मेज़र करता है. एनालॉग कंप्यूटर टाइप्स प्रोग्राम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मेजरिंग फिजिकल चेंजेस टेम्परेचर और प्रेशर. जैसा कि यहाँ बताया गया एनालॉग कंप्यूटर का जो टाइप होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है ना. मींस कि ये फिजिकल चेंजेस को ये करता है, फिजिकल चेंजेस को बताता है. सपोज दैट कि हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसा कि थर्मामीटर. ठीक है, हम क्या करते हैं थर्मामीटर में, हम बुखार नापते हैं. ठीक है, तो वो हमें एग्जैक्ट नहीं बताता है कि हमें कितना बुखार है, बल्कि वो हमें अप्रॉक्स बताता है, अप्रॉक्स रिजल्ट देता है. तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमें अप्रॉक्स रिजल्ट ही देते हैं. हम लोग अपने डेली जीवन में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं. सपोज़ दैट कि अगर हमें किसी चीज़ को नापना है तो हम क्या कर लेंगे, हम स्केल उठा लेते हैं, है ना. स्केल उठा के हम नाप लेते हैं. तो हमने क्या मींस कि किस चीज़ को हमने यूज़ किया, हमने एनालॉग को यूज़ किया. ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो अप्रॉक्स रिजल्ट देता है, बल्कि हमें एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है. ठीक है, इसे हम डिस्टेंस में भी हम इसे नाप सकते हैं. एनालॉग कंप्यूटर जो है उससे हम लोग लेंथ या फिर किलोमीटर ये सब नापते हैं, है ना. वो हमें अप्रॉक्स रिजल्ट देता है, नॉट कंफर्म रिजल्ट. सेकंड, डिजिटल कंप्यूटर. विद दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेशंस आर ऑन इलेक्ट्रिकल इनपुट दैट कैन अटेंड टू इनपुट सेट्स ऑफ ऑन वन एंड स्टेट ऑफ सेट्स ऑफ ऑफ ज़ीरो. मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल टाइप्स कंप्यूटर जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल होते हैं. ठीक है, और ये सिर्फ दो भाषा को ही समझते हैं, ऑन मीन्स वन एंड ऑफ मीन्स ज़ीरो. मीन्स कि ये वन और ज़ीरो को ही समझते हैं, मीन्स कि जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के ये में ये हमें रिजल्ट देते हैं. With digital type of computer, data is represented by digital of 0 and 1 or off state and on state. Means कि जो भी result हमें चाहिए होता है, means कि हमको कुछ भी अगर इससे कुछ जानना होगा तो ये हमें letters में नहीं देगा. ठीक है, ये हमें numbers में देगा. और जैसा कि ये digital computer है तो ये क्या करता है, ये हमें exact एकदम जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो हमें देता है, इसमें अप्रॉक्स रिजल्ट नहीं होता. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर टाइप रिकॉग्नाइज डाटा बाय काउंटिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स और दे आर हाई स्पीड प्रोग्रामेबल. दे कंप्यूट वैल्यूज एंड स्टोर रिजल्ट. ये क्या करता है, ये बहुत स्पीड काम करता है. ठीक है, मीन्स कि एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड ये वर्क करता है. और जैसा कि मैंने बताया ये डिजिट्स में हमें रिजल्ट शो करता है. तो सपोज़ दैट कि हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं. ठीक है, सपोज़ दैट कि जब आप एक वॉच देखते हो तो एक जो वॉच होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं एनालॉग साइंस होते हैं, है ना. मींस कि उसमें रोमन न्यूमरल्स होते हैं. वो वॉच में क्या होता है, तीन कांटा होता है. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट हमको टाइम नहीं पता चलता है कि कितना टाइम हो रहा है. उसमें हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ चलो बड़ा काटा इसमें है, छोटा काटा इसमें है, तो इतना टाइम हो रहा होगा. सपोज़ दैट कि 3:02 हो रहा है, या फिर 3:05 हो रहा है, या फिर 6 हो रहा है. तो क्या होता है कि हम उसके बेसिस पे हम काउंट कर लेते हैं कि हाँ चलो इतना टाइम हो रहा है. एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चलता है, वो हम जो वो जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिस वॉच के बारे में बता रहे हैं, वो क्या हुआ, जो कांटे वाले जो वॉच है वो एनालॉग
कंप्यूटर का एग्जांपल है, ठीक है। और जैसा कि डिजिटल कंप्यूटर, आजकल बहुत सारे बच्चे डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल वॉचेस यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। उसमें क्या होता है कि वो हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है, मीन्स कि अगर 5:06 हो रहा है तो 5:06 ही बताएगा, अगर 5:15 हो रहा है तो 15 ही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट शो करता है ना। और इसकी जो जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। देन हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर टाइप्स आर वेरी यूनिक इन द सेंस दैट दे कंबाइंड बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स एंड ऑपरेशंस। हाइब्रिड कंप्यूटर टाइप्स जो होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर्स में होते हैं, मीन्स कि दोनों तरीके से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऑपरेट बाय यूजिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मीन्स कि हम इसे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम पर्सनल कंप्यूटर ले सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास होता है ना ऑप्शन, हम उसमें लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं। हमें पर्सनल कंप्यूटर में मीन्स कि हम कह सकते हैं नंबर्स में भी हमें रिजल्ट मिल सकता है और हमें लेटर्स में भी नंबर्स रिजल्ट मिल सकता है। हम अगर कुछ क्वेश्चन टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें लेटर्स में मिलेगा, और अगर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें नंबर्स में मिलेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स का। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज एप्रिसिएट्स अपीयरेंस रिलेट्स टू द ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। जो क्लासिफिकेशन है ना, जो विभाजन है वो उसके कंप्यूटर्स के साइज के अकॉर्डिंग है ना, और उसके जो फंक्शन करने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग भी है। और मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो जैसा जैसा जिसका काम है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है, ठीक है। द कंप्यूटर क्लासिफिकेशन फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट सिग्नल यूनिट इज एज फॉलोज। हम लोग इसमें जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़े से, है ना, मीन्स कि जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है और जो सबसे महंगा और सबसे फास्ट है, हम उससे स्टार्ट करते हुए छोटे की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सो लेट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट हाई कैपेसिटी कंप्यूटर एंड वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत फास्ट काम करता है और बहुत मीन्स कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है सुपर कंप्यूटर में, और ये बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही महंगे। यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड एंड वॉल्यूम्स इन वेदर फोरकास्टिंग, ऑयल एक्सप्लॉयटेशन, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग एंड हैंडल अबाउट 1000 यूजर एट अ टाइम। ये क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर जो होता है ये मीन्स कि इसका जो कैलकुलेशन स्पीड होता है, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, है ना, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसमें हज़ार या हज़ार से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। और ये बहुत महंगा और बहुत कह सकते हैं बहुत फास्ट काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, टाइपिकली बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसेस इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स स्टैटिस्टिक्स इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी पावरफुल कंप्यूटर है ना, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम, ठीक है। इसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं,
ठीक है, मींस कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है वो इसका यूज़ करती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं वो इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, मींस कि जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आर मिड रेंज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर मशीन विथ लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मीडियम रेंज का होता है, ठीक है। मीडियम रेंज मीन्स बोल सकते हैं कि ये मेनफ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होता है, है ना, और प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होता है। ये एक रेफ्रिजरेटर की तरह दिखता है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो। यूज्ड बाय स्मॉल कंपनीज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड हैंडल अबाउट 400 to 200 यूजर्स एट अ टाइम। ये क्या होता है कि जो स्मॉल कंपनीज होते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंस हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर, इसे 4 से 100 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, मींस कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक समय में, ठीक है। देन माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट विथ लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और ये छोटा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो होती है वो कम होती है और प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होता है। इट सपोर्ट ओनली 1 मोनिटर कीबोर्ड एंड अ यूज़र एट अ टाइम। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक यूज़र के इस्तेमाल करने के लिए ही होता है, मीन्स कि एक ही यूज़र इसमें काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मोनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक ही माउस या सीपीयू होता है ना, जो भी होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक यूज़र ही काम कर सकता है, तो वो अपना जो भी काम है वो लिमिटेड ही होगा, है ना। इसमें कोई कंपनी का काम, मीन्स कि किसी कंपनी का डाटा ये रख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपना जो भी पर्सनल काम है वो ही कर सकता है, तो पर्सनल कंप्यूटर को ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। देन दिस इज़ योर असाइनमेंट क्वेश्चन, सो यू कैन राइट इन योर कंप्यूटर होमवर्क कॉपी। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, राइट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन सुपर कंप्यूटर, एक्सप्लेन डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।